नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त फूडी अमित कनपुरिया। और भैया आज हम लोग घूम रहे हैं बादशाही नाके में, और बादशाही नाके के पास हम लोग आए हैं सब्जी मंडी के अंदर एक बार फिर से भीकाराम महावीर प्रसाद की शॉप पर हम लोग आए हैं, क्योंकि भैया आने वाली है होली, मार्च का महीना चल रहा है और बहुत ही जल्द आएगी होली। तो होली में लोग खाते हैं स्पेशल गुजिया बनी हुई खाते हैं, तो हमने सुना भैया कि भीकाराम महावीर प्रसाद में भी गुजिया बनती है जो आप अपने त्योहारों पर खाते हैं। तो आज हम लोग स्पेशली यहीं यहाँ पर आए हैं आपको होली की गुजिया की मेकिंग दिखाने के लिए, कि कैसे आप जो अपने घरों पे गुजिया बनाते हैं वो भीकाराम महावीर प्रसाद से भी ले सकते हैं। तो आइए दोस्तों चलते हैं भीकाराम महावीर प्रसाद के किचन के अंदर और आपको मेकिंग दिखाते हैं, लाइव मेकिंग ऑफ होली की गुजिया। ये देखिए दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं भीकाराम महावीर प्रसाद के किचन के अंदर और आज हम मिले हैं भैया, किस क्या नाम है आपका? राकेश दुबे। राकेश भैया, हाँ। भैया ये भीकाराम महावीर प्रसाद में आप यहाँ पे हैं, क्या क्या बनाते हैं यहाँ पे आप? यहाँ गुजिया बनती है, मेवे की गुजिया बनती है, मतलब केसर युक्त गुजिया बनती है और भी देसी घी की बहुत सारी मिठाइयाँ बनती हैं। तो आज हम आपसे स्पेशल गुजिया की मेकिंग देखना है जो होली पे बनती है, वो वाली गुजिया बना सकते हैं क्या? जी जी जी, वही बनाएंगे। जी जी, तो उसकी आइए दोस्तों आपको मेकिंग दिखाते हैं, जो दोस्तों आपको घर पे आप पसंद करते हैं होली में गुजिया खाना, वही भीकाराम में भी आपको वही टेस्ट मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जो गुजिया बनेगी वो प्योर देसी घी में बनेगी, वो उसकी पूरी मेकिंग अभी आपको दिखाता हूँ कि कैसे बनती है यहाँ भीकाराम महावीर प्रसाद की स्पेशल सी गुजिया। हाँ, ये देखिए दोस्तों हमारी गुजिया बनने जा रही है जो आपको दोस्तों होली में खाते होंगे घरों में। आज हम लोग यहाँ पे भीकाराम महावीर प्रसाद में गुजिया बनवा रहे हैं, होली की आपकी फेवरेट गुजिया। और ये पूरी प्रिपरेशन है, ये भैया घी कौन सा है? ये देसी घी है। ये देसी घी है? हाँ जी जी जी, ठीक है। और ये मैदा? जी जी जी, ठीक है। तो अब इसको साना जाएगा। जी जी जी, ये देखिए दोस्तों हमारा डो पूरी तरह से बनाया जा रहा है बढ़िया तरीके से। भैया ने सबसे पहले एक थाल में, पीतल की थाल में, क्योंकि भैया ये भीकाराम महावीर प्रसाद जाना जाता है अपने पारंपरिक तरीके से खान पान के लिए, तो इसलिए भैया ने पीतल के थाल में बढ़िया सा मैदा लिया हुआ था और उस मैदे को सान रहे, शुद्ध देसी घी की सहायता से साना जा रहा है। ये देखिए दोस्तों कितना बढ़िया तरीके से भैया ने बेस को सान लिया है, मैदे को सान लिया और बढ़िया सा डो बना लिया है। अब इसकी लोई काटी जाएगी और लोई काट के बढ़िया से इसमें स्टफिंग की जाएगी, बहुत सारा इसमें जाएगा, खोया जाएगा, बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स जाएंगे, सब कुछ अभी आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या जा रहा है। गुजिया बेली जा रही है, तब तक ये भैया एक बढ़िया सी किश्ती लेके आ गए हैं जिसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स हैं एकदम प्रीमियम क्वालिटी के। इनके यहाँ बादाम लाए हैं, काजू, पिस्ता है, केसर भी देख रहे हैं एकदम लाल वाला केसर है, चिरौंजी है, ये सारी चीज़ें मिला करके बनाई जाएगी। ये इनका भीकाराम महावीर प्रसाद का खोया है और खोए में मिलाई गई ये बूरा वाली चीनी है ना भाई? जी जी जी, बूरी चीनी मिलाई गई है। उधर दूसरी तरफ भी एक किश्ती में खोए को लिया जा रहा है, हाँ खोए को लिया जा रहा है, उसमें मिलाई गई चीनी मिलाई जाएगी अभी। तो भाई ये दो तरह से खोया अलग अलग मिक्स कर रहे हैं, ऐसा क्यों? ये स्पेशल है, ये स्पेशल मतलब जो दुकान, ये नॉर्मल बनेगी, हाँ जी, और ये स्पेशल बनेगी। तो स्पेशल में भाई क्या क्या जाता है? इसमें मतलब मेवा ज्यादा रहता है, केसर डालते हैं, हाँ, मतलब अच्छी तरह मेवा ज्यादा पड़ता है, हाँ, और उसमें मेवे रहते हैं लेकिन उसमें केसर नहीं होगा। ये केसर गुजिया बनेगी और ये नॉर्मल गुजिया बनेगी। अब बनाया जा रहा है जो इनकी स्पेशल गुजिया बनती है उसका मसाला बनाया जा रहा है, मसाला कह लीजिए कि पूरा मावा बनाया जा रहा है बढ़िया तरीके से। इसमें जा रहे हैं ड्राई फ्रूट्स जा रहे हैं, ये देखिए कितनी अच्छी क्वांटिटी में ड्राई फ्रूट्स जा रहे हैं आपके सामने, देख रहे हैं जितना सारा लिया होता सब कुछ डाल दिया है, काजू डाले हैं, बादाम डाले हैं, पिस्ता गया है, अभी चिरौंजी भी जा रही है, ठीक है। और भैया सब प्रीमियम क्वालिटी के यहाँ पर प्रोडक्ट यूज़ किए जाते हैं, देख रहे हैं हर एक चीज़ अलग अलग दिख रही है आपको। मिला रहे हैं ये स्पेशल गुजिया में केसर मिला रहे हैं जी जी। तो ये कुछ कितना ग्राम, कितना रत्ती के हिसाब से डालते हैं? एक किलो में एक ग्राम गुजिया केसर डालते हैं। क्या बात है, ठीक
परसों देख रहे हैं, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का इनके पास केसर है। और ये का नॉर्मल गुजिया का जो मावा है वो तैयार किया जा रहा है। पहले खोई में थोड़ी सी चीनी मिलाई गई, बढ़िया थी पिसी वाली, और इसमें गए हैं बहुत सारे बादाम, ठीक है, और बादाम के साथ ऊपर से गया पिस्ता, क्या बात, और ये जा रहा है बढ़िया सा काजू, ठीक है। अब इसमें भैया चिरौंजी भी जा रही है, तो भैया लगभग सारी चीज़ें वही हैं, लेकिन जो आपकी प्रीमियम क्वालिटी की गुजिया बनती है यहाँ पे, स्पेशल गुजिया, उसमें केसर का यूज़ किया जाता है, उसमें थोड़ा केसर कम यूज़ किया जाता है, लेकिन किया जाता है सारी चीज़ें, ताकि दोनों लोगों का ख्याल रखा जाए कि जो स्पेशल गुजिया ले रहे हैं और जो नॉर्मल गुजिया ले रहे हैं उनको स्वाद एक ही जैसा मिले, बढ़िया तरीके का स्वाद मिल सके। हाँ तो उसे देखिए, अब मेन प्रोसेस किया जाएगा जो कि आप जैसा अपने घरों में करते हैं, जिस तरह से गुजिया भरते हैं उसी तरह से यहाँ पे भरी जा रही है। ये देखिए बढ़िया से साँचे हैं, उन साँचों से गुजिया को भरा जा रहा है, क्या बात, ठीक है। ये देखिए, और ये आपकी खूबसूरत सी गुजिया बन करके तैयार हो गई है, क्या, ठीक है। ये देखिए, चलो चलो, ये देखिए क्या बात है जी, उसको देख रहे हैं, हर एक बाइट में आपके ड्राई फ्रूट आने वाले हैं, क्योंकि इस गुजिया में पड़े हैं बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स जो भी हमने आपके सामने दिखाए थे। ये देखिए, और भैया इस गुजिया को फ्राई भी किया जाएगा, ड्राई फ्रूट्स की गुजिया को फ्राई किया जाएगा देसी घी में, ठीक है। ये देखिए, अब भैया ये इनकी नॉर्मल गुजिया का मसाला है जिसमें केसर नहीं पड़ा है, लेकिन पड़े हैं उतने ही सारे ड्राई फ्रूट्स जो स्पेशल गुजिया में पड़ते हैं। ये देखिए, अभी हमने आपको दिखाया था कि नॉर्मल वाले ड्राई फ्रूट्स उतने ही हैं, बढ़िया तरीके से, और ये गुजिया बन रही है नॉर्मल वाली। तो भैया इसको पहचानते कैसे हैं कि नॉर्मल वाली कौन सी है, स्पेशल वाली कौन सी है? इसमें मतलब मैं निशान लगा देता हूँ, निशान लगाया जाता है, निशान लगाया जाता है ताकि इसको पहचाना जाए, केसर की बिंदी लगा देते हैं ऊपर, क्या बात है। ये पहचान होती है कि इनकी स्पेशल गुजिया है या नॉर्मल गुजिया है, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, बढ़िया सी बड़ी सी कढ़ाई ले ली है भैया ने, और इसमें जा रहा है शुद्ध देसी घी जा रहा है, जिससे हमारी गुजिया को फ्राई किया जाएगा, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, हमारा जो देसी घी लिया गया था कढ़ाई में वो बढ़िया तरीके से गर्म हो चुका है, और जो हमारी गुजिया भरी गई थी वो जा रही है अब कढ़ाई में फ्राई होने के लिए, देख रहे हैं बढ़िया तरीके से फ्राई हो रही है हमारी जो गुजिया है ड्राई फ्रूट्स वाली केसर वाली, वो फ्राई की जा रही है देसी घी में। काफ़ी बढ़िया सा कलर आने लग गया है हमारी गुजियों में, ये फ्राई होने लग गई, देख रहे हैं हल्के हल्के ब्राउन हो रही है, क्या बात है। दोस्तों देख रहे हैं हमारी पूरी गुजिया बढ़िया तरीके से फ्राई हो करके अब बाहर आ रही है। अब भैया इसको थोड़ा सा हम लोग थोड़ी देर में लेंगे, क्योंकि अभी है बढ़िया से गर्म, इसका स्वाद आपको लेके बताएंगे गुजिया कैसे बनी। देख रहे हैं कितनी खूबसूरत सी बन गई है, तैयार होके आ गई है। ये देखिए दोस्तों, हमारी भीकराम महावीर प्रसाद की ये जो स्पेशल गुजिया बन रही थी, अभी हमने आपको पूरी लाइव मेकिंग दिखाई थी कि कैसे यहाँ पे केसर की और नॉर्मल सी ड्राई फ्रूट्स वाली बढ़िया सी गुजिया बनती हैं, जो राकेश भैया ने बनाई हैं बढ़िया सी, पूरी बना करके अभी हमारे ट्रे में लेके आए हैं। तब आइए इसको थोड़ी सी लेते हैं, इनका स्वाद आपको बताते हैं कैसा है। ये देखिए भैया, हम लोगों ने जो अभी मेकिंग दिखाई थी आपको स्पेशल यहाँ की भीकराम महावीर प्रसाद की गुजिया की, जो बनी थी केसर की गुजिया और नॉर्मल ड्राई फ्रूट्स की गुजिया, दोनों की अभी आपको मेकिंग आई थी, पूरी बड़ी सी ट्रे बन करके अभी आई थी हमारे सामने। तो हमने भैया थोड़ी थोड़ी एक एक पीस ले ली है, इसको खाते हैं, इसका स्वाद बताते हैं आपको कैसा है। ये देख रहे हैं, ये केसर वाली गुजिया है जिस पे स्पेशल था इन्होंने निशान लगाया है केसर को घोल के, एक बढ़िया सी बिंदी लगाई है, इसको तोड़ते हैं। ये देखिए ड्राई फ्रूट्स और जो मेवा है वो पूरा मिक्स हो गया है, ठीक है, और बढ़िया तरीके से अच्छी सी खुशबू आ रही है, क्योंकि भैया ये बनी है पूरा देसी घी में बनी है, जिसकी वजह से इसमें खुशबू बहुत बढ़िया सी आ रही है, और बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स पड़े हैं, इसको खाते हैं। आ, 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 आ,
दोस्तों इनमें जो बहुत ही लाइट शुगर है, ताकि जो कोई अगर डायबिटिक का पेशेंट है उसके लिए भी अलग से स्पेशल मिलती है, और कम शुगर वाली जो लोग पसंद करते हैं वैसी गुजिया यहाँ पे मिलती है। बढ़िया सा फ्लेवर दे रही है, और साथ में क्या है जो इनकी नॉर्मल ड्राई फ्रूट्स वाली गुजिया है जिसमें केसर नहीं पड़ा है, बाकी सब कुछ वही पड़ा है जो ड्राई फ्रूट्स की गुजिया पड़ता है उसकी भी दिखाते हैं। ये देखिए वही सारी चीज़ें हैं, इसको भी खाते हैं। भैया बहुत ही मज़ेदार है, क्योंकि देख रहे हैं ड्राई फ्रूट की भैया कोई कमी नहीं है, और जो उसको पकाया है वो भी डेढ़ घी में पकाया है। चाहे आप यहाँ पे नॉर्मल गुजिया लो या फिर स्पेशल केसर वाली गुजिया लो, दोनों एक नंबर की क्वालिटी है। और यहाँ की जो प्रीमियम क्वालिटी की दो तो और गुजिया भी हमारे सामने आई है, एक बार दिखाइएगा उसको। ये देखिए उसको, ये चंद्रकला है, चंद्रकला है ना भैया, लगे भैया ये चंद्रकला है, और ये वाली ये चाशनी वाली गुजिया है, ये भी यहाँ पे प्रीमियम क्वालिटी की गुजिया मिलती है। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आप कानपुर के रहने वाले हैं या भैया कभी भी भविष्य में कानपुर आने वाले हैं, तो क्या करिए, जब भी आप कानपुर में बादशाही नगर की ओर आइए तो सब्जी मंडी के अंदर पड़ता है भीकाराम महावीर प्रसाद की शॉप, जहाँ पे दोस्तों आपको मिलती है शुद्ध देसी घी से बनी हुई बहुत सारी मिठाइयाँ। और भैया आने वाली है होली, तो होली पे आपको यहाँ पर मिलती है बहुत सारी तरह की गुजिया मिलती है, जैसे कि चंद्रकला है, चाशनी वाली गुजिया है, और जो सूखी गुजिया है जो आप अपने घरों में बनाते हैं वो गुजिया भी आपको यहाँ पे थोक में मिल सकती है, बल्क क्वांटिटी में आप ले सकते हैं बढ़िया तरीके से अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को गिफ्ट करने के लिए। बढ़िया सा मज़ा आ जाएगा आपको यहाँ की गुजिया खाने में। तो भैया यहाँ पे ज़रूर आइए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, यहाँ पे इंजॉय करिए भैया के यहाँ इनकी गुजिया इंजॉय करिए, या फिर भैया पैक कर लीजिए घर पे खाइए। और भैया हमारे वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट करिए। धन्यवाद।